और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बसंत मीना, एमजे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये टॉपिक होगा कला एवं संस्कृति का। कला एवं संस्कृति में हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान की कला एवं संस्कृति अनूठी, अनुपम और निराली है मित्रों। और राजस्थान रंगीला राजस्थान कहलाता है। यहाँ काफी विविधता एक कला और संस्कृति में देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले कला और संस्कृति के टॉपिक में लोक देवता पढ़ेंगे और लोक देवताओं में भी सबसे पहले बाबा रामदेव जी को पढ़ना है। तो लोक देवता दोस्तों होता क्या है कि जो व्यक्ति प्राचीन काल में मन, वचन और कर्मों के द्वारा जो लोगों का हित करते थे, हित साधना करते थे, उन्हीं को ये नाम मिला लोक देवता। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अपने राजस्थान संस्कृति में पांच लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंच पीरों की उपमा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। वो पांच पीर कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपने यहां पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाबू जी। पहला लोक देवता कौन सा है? पाबू जी। दूसरा है हड़बू जी। तीसरा है रामदेव जी। चौथा है मंगलिया मेहा या मेहा जी भी कह सकते हो, मंगलिया जी मेहा। और उसके बाद में अंत में है गोगा जी। अब दोस्तों कई बार यहां पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत बार आता है एग्जाम में कि राजस्थान के पंच पीर या पांच पीर कौन कौन से हैं। तो पांच पीरों के नाम लिखे हुए पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। अब यहाँ पे कई बार निम्नलिखित में से कौन सा पंच पीर नहीं है, कई बार तेजाजी डाल देते हैं बीच में। तो तेजाजी हैं, वो देवता हैं, लेकिन वो पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये पांच पीर हैं। तो इनमें इसी क्रम में हमने सबसे पहले रामदेव जी, एक चमत्कारी देवता को, लोक देवता को लिया है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे दोस्तों। अब रामदेव जी के बारे में बहुत कुछ आपने देखा है, पढ़ा है, लेकिन कुछ डिफरेंट चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबा जो रामदेव जी हैं, इनके उपनाम क्या है। इनके उपनाम दोस्तों, इन्हें रूणेचारा धनी भी कहते हैं। इन्हें रामसा पीर भी कहते हैं, रामसा पीर। और इन्हें बाबा रामदेव भी कहते हैं, बाबा रामदेव। ये इनके तीन महत्वपूर्ण नाम है, रूणेचारा धनी, रामसा पीर, बाबा रामदेव। अब मित्रों, सबसे पहले हमें यहां पे ये देखना है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ, कहां हुआ। इनके जन्म के बारे में देखते हैं। बाबा रामदेव जी का जो जन्म है ये भादवा सुदी द्वितीया को हुआ था, भादवा सुदी द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबारी बीज भी कहा जाता है। बाबारी बीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी जो है ये अवतारित हुए थे, अवतार रूप में आए थे, वो तिथि बाबारी बीज मानी जाती है। इसको दूस के नाम से भी जानते हैं, दूस। इसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था, अब इसकी जो सन है, विक्रम संवत भी पूछ सकते हैं, तो ईस्वी भी पूछ सकते हैं। तो 1405 ईस्वी में उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था मित्रों। ये ध्यान रखना आप, इनका जन्म 1405 ईस्वी में उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था मित्रों। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके भाई का नाम क्या था, इनकी बहन का नाम क्या था,
इनकी धर्म बहन का नाम क्या था, धर्म बहन का नाम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी कौन थी, तो ये सारी चीजें एक ही में रहेंगी। अब देखो पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था अजमल जी, अजमल जी तंवर, जो दोस्तों रूनी चा के राजपूत थे। माता थी मीणा दे, मीणा दे। गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ। और इनका भाई था वीरम देव, वीरम देव। इनकी बहन का नाम था सुगना और इनकी धर्म बहन का नाम था, इनकी धर्म बहन का नाम था डालीबाई, डालीबाई। और इनकी पत्नी का नाम था नेतल देवी, नेतल देवी। अब दोस्तों ये सारे नाम याद होने चाहिए। नेतल देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल देवी, ये ध्यान रखना। अब देखो सारी चीजें आ गई हैं। पिता का नाम क्या था, अजमल जी। माता का नाम क्या था, मीणा देव। इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। भाई का नाम क्या था, वीरम देव। बहन का नाम क्या था, सुगना। धर्म बहन का नाम क्या था, डालीबाई। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल देव। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही सिस्टेमेटिक ढंग से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसके बाद में आगे आपको देखना है कि इन्होंने समाधि कब ली, जीवित समाधि इन्होंने कब ली थी, रामदेव जी जो है इन्होंने जीवित समाधि कब ली। अब इसमें देखना आप, इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में एकादशी, एकादशी जिसको अपन ग्यारस कहते हैं, एकादशी के दिन इन्होंने वो समाधि ली थी और जीवित समाधि ली थी। और जीवित जो समाधि ली थी इन्होंने एक तालाब बनाया था जिसका नाम था रामसर, रामसर तालाब या सरोवर, रामसर सरोवर। इसके उत्तरी पाल के ऊपर, उत्तरी पाल के ऊपर इनकी समाधि है। दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली, 1458 ईस्वी में। विक्रम संवत पूछे तो इसमें 57 साल आपको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं है, 57 साल ऐड कर दो, विक्रम संवत आपका आ जाएगा। तो एकादशी को ये समाधि ली, और ये समाधि कहां ली, राम सरोवर, राम सरोवर जो तालाब था ये इन्होंने बनाया था, और इसके उत्तरी पाल के ऊपर इनकी ये समाधि है। और इनके एक दिन पहले इन्हीं की जो शिष्य थी, इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने भी समाधि यही ली थी, डालीबाई। रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि किसने ली थी, डालीबाई जी, डालीबाई ने। और ये समाधि कहां ली है, रामसर सरोवर उत्तरी पाल के ऊपर। ये चीजें क्लियर हुई, तिथि याद हो गई आपको, जगह याद हो गई। और इसके बाद में डालीबाई इनकी महत्वपूर्ण जो भक्त भी थी, शिष्या भी थी और धर्म बहन भी थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि रामदेव जी जो हैं ये विशिष्ट क्यों हैं, ये विशिष्ट देवता क्यों हैं, कि एक तो ये ध्यान देना आप, इनको रामसा पीर का नाम मिला, रामसा पीर। मक्का से 5 पीर आए थे और रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि वास्तव में ये चमत्कारी है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि भोजन का आग्रह किया था रामदेव जी ने कि आप भोजन करके जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे खाने के बर्तन यहाँ नहीं है तो हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो रामदेव जी ने ऐसा कहा जाता कि अपने चमत्कार से वो वहां उनके बर्तन खाने के अपने आप मक्का से मंगवा लिए थे। उसी के बाद में उन 500 पीरों ने कहा था कि मैं तो पीर हां थे तो पीरा का भी पीर हूं, तभी से उनको रामसा पीर के नाम से जाने जाने लगा है। और दोस्तों आज हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म भी इनको उसी आस्था और लगन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। और ये अपने राजस्थान में ये जो मेला भरता है ये भादवा की द्वितीया से लेकर और एकादशी तक ये मेला भरता है, भादवा से, भादवा की द्वितीया से लेकर और एकादशी तक इनका ये मेला भरता है। और ये जो मेला है ये राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा राजस्थान का मेला माना जाता है।
राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बाबा रामदेव जी का मेला है। और ये मेला कब भरता है? भादवा की द्वितीया से लेकर और एकादशी तक ये मेला लगता है। और दोस्तों अब यहां पे देखना, इन्होंने बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था कांवड़िया। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये याद रखना, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था या कौन से पंथ की स्थापना की थी, तो वो उसका नाम था कांवड़िया पंथ। उसके बाद में नेक्स्ट, ये दोस्तों एकमात्र ऐसे लोक देवता है, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे, तो जिन्होंने 24 बाणियां पुस्तक भी लिखी थी। ये भी याद रखना, ये लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। इनकी रचना क्या है? 24 बाणियां। और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? कांवड़िया पंथ। अब दोस्तों यहां पे एक प्रश्न और बनता है कि कांवड़िया जो जाति की जो महिलाएं हैं, कांवड़िया जाति की विवाहित महिलाएं यहां पे 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य कर प्रस्तुत करती है। रामदेव जी की आराधना में कांवड़िया जाति की विवाहित महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करती है। दोस्तों 13 ताली नृत्य के बारे में क्या होता है कि दोस्तों इस नृत्य में महिलाएं जो 13 मंजीरे बांधती हैं, तो जो दाहिना पैर होता है तो घुटनों एडी से लेकर घुटनों तक 9 मंजीरे दाहिने पैर में बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे कोहनी पे, दोनों हाथों की कोहनी पे बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे हाथों में लिए जाते हैं। ऐसे टोटल 13 मंजीरे होते हैं और इन मंजीरों से, इन हाथों में जो 2 मंजीरे होते हैं, ये उन 13 मंजीरों को स्पर्श करती है, जिससे एक लय और एक तालबद्धता और एक मनमोहक दृश्य उपस्थित होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, आकर्षक लगता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये जो 13 ताली जो नृत्य है ये कौन करती है? कांवड़िया जाति की विवाहित महिलाएं। और ये नृत्य दोस्तों बैठकर किया जाता है। इस नृत्य के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसमें नृत्य में मांगी बाई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस नृत्य में बहुत जबरदस्त तरीके से। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि बाबा जो रामदेव जी हैं, इनके घोड़े का नाम था लीला, जिसे नीला भी कहा जाता है, नीला घोड़ा, लीला या नीला घोड़ा, जिसे कहा भी जाता है नीला घोड़ा रासवार। तो किसको कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। हालांकि इस घोड़े का रंग दोस्तों सफेद था, ये इसे नीला घोड़ा कहा जाता था, लेकिन इस घोड़े का रंग कैसा था? सफेद था। यदि रिट में महाराणा प्रताप का हाथी का नाम रामप्रसाद पूछा जा सकता है, तो रामदेव जी के घोड़े का कलर क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा। तो रामदेव जी का मुख्य वाहन जो था वो था लीला या नीला घोड़ा, जिसका रंग सफेद था। उसके बाद में दोस्तों हम यहां पे आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो रामदेव जी जो है, इनके जो मंदिर होते हैं, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? देवरा। याद रखना, रामदेव जी का जो मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी ने जो चमत्कार किए उन्हें पर्चा देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा देना। उसके बाद में नेक्स्ट, मेघवाल जाति के रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। रिखिया, जैसे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है सारे, रिखिया क्या है? मेघवाल जाति के भक्त जो होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा नेजा, नेजा। तो बाबा रामदेव जी जो है, इनके 5 रंग की जो ध्वजा होती है, ध्वज होती है, उसको क्या बोला जाता है? नेजा के नाम से जाना जाता है। 5वें नंबर पे हम देखें तो जम्मा, रामदेव जी की जो रात्रि जागरण होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? जम्मा कहा जाता है। दोस्तों अब आपके लिए लेटेस्ट चीजें जो आपने शायद पहले किताबों में नहीं देखी होगी, क्योंकि ये गाइड वगैरह में तो ये चीजें मिलती नहीं है, आपको नेट से सर्च करना होगा सारी चीजों को, सब चीजें खोजनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो सारा मैटर आपको उपलब्ध होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पे हम देखें कि बाबा जो रामदेव जी हैं, इन्होंने मतांतर मतांतर
मतांतर, मतांतर जो व्यवस्था थी उसका विरोध किया था। ये याद रखना, जैसे रामदेव जी ने कौन सी प्रथा का विरोध किया था, मतांतर व्यवस्था का विरोध किया था उन्होंने। उसके बाद भी रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या था? अब उस आंदोलन का नाम जो है वो क्या रखा गया है, परावर्तन। ये नाम आपने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद, जहां तक मैं समझता हूं। परावर्तन क्या था, क्योंकि उस जमाने में हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, धर्म को परिवर्तन किया जा रहा था, तो बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। उस शुद्धि आंदोलन का नाम क्या था, परावर्तन, कि हिंदुओं को, वो मुसलमानों को दोबारा से हिंदू बनाया जाए, जिनको हिंदू, हिंदू से मुसलमान बना दिया गया उनको दोबारा से हिंदू में परिवर्तित करने का शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसका नाम क्या था, परावर्तन आंदोलन था। ये किसने चलाया था, बाबा रामदेव जी ने चलाया था। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हम देखें कि बाबा जो रामदेव जी हैं, ये छुआछूत और जातपात को बिल्कुल नहीं मानते थे, जातिवाद को ये बढ़ावा नहीं देते थे। आपको पता है कि इनकी जो मुख्य जो शिष्या है, इनकी धर्म की बहन जो थी, मेघवाल जाति की थी और उनका नाम था डालीबाई, तो उन्होंने उसको अपने साथ रखा, अपने घर में रखा, उनको बराबर प्रायोरिटी दी। तो ये जातिवाद के घोर विरोधी थे, मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे ये। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाबा जो रामदेव जी हैं, इनका जो मंदिर है, बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है ये रुणेचा में है दोस्तों। कहाँ है, रुणेचा। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, रुणेचा, रामदेवरा में इनका मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी ने, बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था, ये भी याद रखना दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि बाबा रामदेव जी के जो पर्चे हैं वो 24 पर्चे कहे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 24, मैंने वाणी एक पुस्तक बताई थी 24 पर्चे। तो इनके जन्म की एक अलग विशिष्ट कहानी है कि इनके जो पिता थे अजमल जी, ये अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ सराहनीय कार्य किया करते थे, लेकिन वो निसंतान थे, उन्हें संतान उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोग उन्हें उलाहना देने लगे। तो एक बार की बात है, जब वो घर से बाहर जब निकल रहे थे पैदल ही, तो रास्ते में कुछ किसान हल वगैरह लेके खेतों की ओर जा रहे थे, तो उनको देख के वापस पलट गए। वो पलट गए, बाबा रामदेव ने पूछा कि वापस घर कैसे जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप निसंतान हो, हमारा अपशकुन हो गया, तो हम घर जाएंगे। तो बाबा रामदेव जी को काफी ठेस लगी कि मैं मेरी पूरी प्रजा को संतान मानता था, आज ये लोग मेरा इस तरह से तिरस्कार कर रहे हैं। तो उसके बाद में अजमल जी द्वारिका गुजरात राज्य में चले गए और कृष्ण जी से आराधना करने लगे कि मैंने इतना तपस्या किया, इतना त्याग किया, इतनी सेवा की, तो मुझे इस तरह का अभिशाप क्यों मिला, मुझे भी एक संतान चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका से कृष्ण जी के आशीर्वाद से ही इनके दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, एक तो वीरमदेव जो बड़े भाई थे और छोटे बाबा रामदेव जी थे। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी जो है, इसका जो वंशज है, रामदेव जी का वंशज पूछा जा सकता है मित्रों आपसे, तो रामदेव जी का वंशज अर्जुन को मानते हैं। रामदेव जी का वंशज किसको माना जाता है, रामदेव जी का वंशज किसको कहते हैं, अर्जुन को, अर्जुन को रामदेव जी का वंशज माना जाता है। रामदेव जी का अवतार किसको मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं। रामदेव जी का अवतार किसको मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, यह भी याद रखना। इसके बाद में इनका जो भाई था वीरमदेव, वीरमदेव ये जो है ये बलराम के अवतार माने जाते हैं, किसके, बलराम का अवतार माना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों ये यहां पर ये जो मेला है ये बहुत ही शानदार मेला है, कला और संस्कृति की दृष्टि से अनोखा है, और ये कला संस्कृति में एक सांप्रदायिक सद्भाव और एक लोगों में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अब ये यहाँ यदि इस रुणेचा में या रामदेवरा में, ये क्योंकि पोकरण से ये जो है, पोकरण से लगभग ये 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, पोकरण से, सॉरी, ये जैसलमेर से 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और पोकरण से ये 13 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये स्थान पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखना। कितने किलोमीटर, 125, और ये पोकरण से 13 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों आपने पढ़ा होगा भैरव राक्षस, भैरव राक्षस
भैरव जो राक्षस था ये पोखरण के समीप काफी आतंक फैला रखा था, तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया करता था। तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने इस भैरव नामक राक्षस का वध किया था और उसके बाद में पोखरण में अमन चैन और शांति का माहौल बन पाया था। तो रामदेव जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। रामदेव जी के चमत्कारों की बात करें तो रामदेव जी के चमत्कारों में और इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताने जा रहा हूं उनको भी आप ध्यान पूर्वक सुनना कि रामदेव जी जब पैदा हुए थे तब इनके घर में पानी का दूध बन गया था, कुमकुम के पगले हम बन गए थे, कुमकुम के पगले जो है। तो ये अब इसमें देखो इतने कुशल आगे और बन जाएंगे कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं जो पैदल यात्री जाते हैं उन्हें जातरु के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जातरु। ये वर्ड आए होंगे आपके पहले भी। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन जो इम्पोर्टेंट इसमें बनेगा, क्या बोलेंगे इसको? रामदेव जी के जो पैदल यात्री जो भक्त होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जातरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रामदेव जी जो है ये एक चमत्कारिक वीर पुरुष रहे हैं। इसका और एग्जाम्पल है कि इनकी जो पत्नी थी नेतल दे, जो सोढ़ा, जो दलजी सोढ़ा इनके नेतल दे के पिता थे, जो अमरकोट पाकिस्तान में है वहां के रहने वाले थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ये प्रारंभ से ही अपंग थी नेतल दे, लेकिन जब फेरू में बैठी तो उसके बाद में जैसे हाथ पकड़ा तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, सही हो गई। तो ऐसे चमत्कारिक लोक देवता थे। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में रामदेव जी जो हैं इनके चमत्कारों में और इम्पोर्टेंट जो है ये एक है रत्ना राय का ये भी याद रखना। जैसे कई बार पूछ ले कि रत्ना राय का ये इसका संबंध किससे है, तो ये रामदेव जी से संबंध रखते हैं। रामदेव जी समकालिक किसके थे, किसके समकालिक थे? ये पाबूजी और हड़बूजी। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये देखो ऊंटों के देवता प्रसिद्ध हैं और हड़बूजी के बारे में कहा जाता है कि ये मौसी के लड़के थे हड़बूजी। रामदेव जी के मौसी के लड़के कौन थे? हड़बूजी। और रत्ना रायका का संबंध भी इससे है, रायका जैसे ऊंट पालक जाति आती है दोस्तों, ये याद रखना। इसके बाद में इनके भक्तों की बात करें, इनके मुख्य जो भक्त हैं रामदेव जी के, उनके मुख्य भक्तों में हरजी भाटी, नाम सुना होगा आपने हरजी भाटी, ये इंपोर्टेंट इनका भक्त है हरजी भाटी। इसके अलावा एक भक्त और याद रख लो आप, आई माता भी इनकी भक्त थी। तो ये दो नाम याद रखना, रामदेव जी के मुख्य भक्तों में, मुख्य शिष्यों में कौन थे? हरजी भाटी था और आई माता था। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें आगे कि रामदेव जी का जो ऐसा कहा जाता है कि डालीबाई का एक कंगन है, वहां पे रुणीचा या रामदेवरा में डालीबाई का एक कंगन है जो पत्थर से बना हुआ है। तो ऐसा मान्यता है कि इस कंगन में से होकर लोगों को निकलना पड़ता है तभी वो यात्रा पूर्ण मानी जाती है। लोगों की जो कामना मनोकामना है वो पूर्ण कब होती है? जब डालीबाई के कंगन में से बाहर निकला जाता है और ये पत्थर का बना हुआ है। तो ऐसी लोक मान्यता है। इसके अलावा रामदेव जी के अन्य अभी रुणीचा के अलावा, पोखरण के अलावा भी चार मंदिर और हैं अपने भारत में। यहाँ अलग अलग स्टेटों से लोग पहुंचते हैं, जैसे यूपी से भी, एमपी से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थानी होते हैं, उत्तरी गुजरात के भी आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी आते हैं। तो ये जो चार मंदिर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहले तो है बिराठिया, ये मंदिर पड़ता है पाली में, बिराठिया जो कहाँ है? पाली में। दूसरा जो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी, ये जोधपुर में है दोस्तों। और जो इनके गुरु हैं बालीनाथ जी, वो यहीं पे समाधि ली थी मसूरिया पहाड़ी के ऊपर ही। और ऐसा कहा जाता है कि रुणीचा का जब यात्रा करता है व्यक्ति तो सबसे पहले मसूरिया पहाड़ी इसके दर्शन जरूर करता है, यहीं से वो यात्रा स्टार्ट करता है। तीसरे नंबर पे सुरताखेड़ा जो पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में,
और चौथा इसका जो मंदिर है बाबा रामदेव जी का, वो चौथा मंदिर जो पड़ता है उसको बोलते हैं छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये पड़ता है गुजरात में। तो ये इसके चार महत्वपूर्ण मंदिर हैं दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब बाबा रामदेव जी से रिलेटेड और बहुत प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से ग्रहण करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, पूरी मेहनत करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।